गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे आई वांट टू एड्रेस क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स. क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू 2020-2021 सेशन. वो स्टूडेंट्स जो डेस्परेटली एग्जाम्स का वेट कर रहे थे बट एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए. गाइस, यू डिजर्व अ सैल्यूट. यू आर रियल हीरोज. रीज़न इज, आप वो लोग हैं जो एक ही सिलेबस को पिछले 15 महीने से पढ़ रहे हैं, वेटिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स. आप वो लोग हैं जो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट एनी रियल सपोर्ट. यू हैव स्टडीड ऑनलाइन फॉर लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर. आप लोगों ने जज्बा रखा, अपने ड्रीम्स नहीं छोड़े. आप वो लोग हैं जिन्होंने हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम्स का सहारा नहीं लिया. आप सिंसियरली अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहे. आप वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए लिमिटेड मींस के साथ प्रिपरेशन की, बोर्ड का पैटर्न बदला, शोर नहीं मचाया. एग्ज़ाम्स पहले पोस्टपोन किए गए तब भी शोर नहीं मचाया. और आप लोग अब भी वेट कर रहे हैं कि कब CBSE दोबारा एक नई डेट शीट बनाती है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स का देने का मौका मिलता है. यू आर रियल हीरोज. आप लोगों में प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत है और ये वेस्ट नहीं जाएगी. एग्ज़ाम्स हो या ना हो, आपकी ये प्रिपरेशन आपके काम आएगी और उससे भी ज़्यादा काम आएगा आपका ये एटीट्यूड. बहाने ना बनाने की आदत. कल एक और वीडियो मैं दूंगा एंड इन दैट वीडियो आई विल एड्रेस CBSE अथॉरिटीज और कुछ वेज, कुछ आइडियाज़ जो मेरे ओपिनियन हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज आई डोंट सी एनी पॉइंट इन वेटिंग टिल जुलाई फॉर द एग्ज़ाम्स. दैट विल बी वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ टाइम. ये जो थम्सा गया है ना, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है एंड होप देखते हैं. आई विल गिव दैट आइडियाज, विल शेयर दैट आइडियाज टुमारो विद यू ऑल. और बस मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टेगनेंसी ख़त्म हो और हम आगे बढ़ें. अब आई डोंट सी एनी पॉइंट इन कंडक्टिंग एग्जाम्स इन ऑगस्ट एंड देन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स टिल सेप्टेम्बर और अक्टूबर एंड फिर हम दिसंबर में सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो दैट विल बी वेस्ट ऑफ द होल ईयर. सो विल मीट अगेन टुमारो. अगेन, यू आर रियल हीरोज. यू डिजर्व अ सैल्यूट एंड अ बिग हग टू यू ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू.